तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू डे टू इन कोलकाता दोस्तों। आज हम लोग कोलकाता को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो शाम में दोस्तों मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल गया बाइक से। हम लोग बाइक दोस्तों दूसरे जगह रखा हूँ क्योंकि उसके फ्लैट के नीचे इतना स्पेस नहीं है। तो हम लोग वहीं बगल में एक फ्लैट है वहाँ पे रेंट पे बाइक अपना रखता है भाई वहाँ पे पार्किंग में। तो बाइक वगैरह हम लोग लेकर के दोस्तों निकल गए। तो कोलकाता की पतली सी गलियों से सड़कों से बहुत ही मज़ा आ रहा था यार। एकदम मतलब मस्त गली था वहाँ पर, पतला पतला, और उसी में सब लोग मतलब एडजस्ट होके बढ़िया है। मतलब उतना पतला भी नहीं था, अच्छा था। पेड़ पौधा भी लगा हुआ था, ग्रीनरी पूरा। और यहाँ दोस्तों हम लोग ने रोड पकड़ लिया। चलो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों स्ट्रीट व्यू ऑफ कोलकाता। और कोलकाता का एक से एक ऊंची ऊंची इमारतें दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को देख करके, सच बता रहा हूँ। जितना मज़ा मुझे आया था ना, देखो स्टार्टिंग हो चुका है, एकदम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये सामने सिग्नल, रेड सिग्नल। रेड सिग्नल तो यार जैसे ग्रीन होता है ना, एकदम सब लोग खुला सांड की तरह निकलता है एकदम। चलो इसी बीच में दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को जरूर से लाइक करना। और इसी के बीच देखो दोस्तों क्या मस्त फोर्ड एंडेवर जा रही थी, मस्त एकदम मॉडिफाइड करके चक्के देख रहे हो, इतनी बड़े बड़े व्हील्स हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखो जा रहे थे एक ज़रूरी काम से। चलो जहाँ पहुँचाएँगे वहाँ पे आप लोग पहुँच के बताएंगे क्या काम से हम लोग गए हुए थे। उसी बीच में ये देख लो नज़ारा दिखाते हुए लेके जा रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन था ये पीछे, और सामने भाई साहब ये बड़ी बिल्डिंग देख करके तो मेरा दिमाग ही चकरा गया यार। इतनी खूबसूरत और इतनी कलरफुल और इतना बड़ा बिल्डिंग देखो ना, कैमरे में भी नहीं आ रहा, अल्ट्रा वाइड किया हुआ फिर भी, मतलब सामने से भाई ज़बरदस्त अल्टीमेट। और शाम का हो गया था समय दोस्तों। तो ये देखो एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये ITC रॉयल बंगाल है दोस्तों। ये कोलकाता का 5-स्टार मतलब सबसे टॉप बेस्ट क्वालिटी होटल है। और यार गजब मतलब लग रहा था देख करके, कौन बनाया है भाई, मार्वल है भाई, इंजीनियरिंग मार्वल। और ये भी एक और होटल है दोस्तों, 5-स्टार होटल। और बगल में ये मेट्रो स्टेशन था यहाँ पर। और ये फ्लाईओवर बन रहा है, सॉरी फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, मेट्रो का ये रेल बन रहा है दोस्तों, ये बॉक्स कलवर्ट है। और यार गाड़ी रास्ते में हम लोग ये देखो बुलेट वाले भाई साहब दिख रहे, पता नहीं इनको क्या चूल हो गया था, क्या दिक्कत हो रही है, बार बार रेस लगाना चाह रहे थे हम लोग से। और इसी बीच में मैं थोड़ा बहुत रोड का नज़ारा रिकॉर्ड कर रहा था, वो बार बार आकर के हम लोग के आगे से सटा के निकाल रहा था ताकि वो चाहे कि रेस लगा रहा था वो, बट हम लोग तो भाई सेफ्टी। देखो फिर से बगल से निकल गए भाई साहब। और ये सामने देख सकते हो गाइस निको पार्क, बहुत ही फेमस है धनबाद का, यहाँ पे भी बहुत ही फेमस है कोलकाता का, यहाँ पे भी आकर के मैं जरूर से व्लॉग बनाऊंगा। तो चलो ये लोगों को तो मैं हम लोग मज़ा चखा दी दोस्तों हार्ले डेविडसन से रॉयल इनफील्ड को। और भाई का हार्ले डेविडसन था, तो इसी के साथ मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग जा रहे थे हार्ले डेविडसन का शोरूम क्योंकि भाई को अपने बाइक में कुछ काम करवाना था। और इसी बीच में दोस्तों ये देख रहे हो क्या मस्त BMW का भाई स्पोर्ट्स कार, मतलब BMW तो यार वहाँ पर आम बात हो गई, BMW मर्सिडीज़ बेंज। और ये सामने एक अजीब सा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग दोस्तों, इसे कहते हैं विश्व बंगला गेट। और ये ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा बिल्डिंग जैसा शीशा जैसा, अंदर में रेस्टोरेंट है गाइस, भाई ने बताया कि अंदर में रेस्टोरेंट है। और ये बगल में लिफ्ट है, लिफ्ट से भी ऊपर जाते हैं लोग, और साइड में सीढ़ी है, सीढ़ी से भी ऊपर जाते हैं। और वीकेंड का दिन था दोस्तों तो यहाँ पर तो यार बहुत ही भीड़ था, और ऊपर कुछ लेबर मजदूर लोग भी काम कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं हार्ले डेविडसन के शोरूम में। यार पहली बार ज़िंदगी में मैं भाई पहुंचा हार्ले डेविडसन वेलकम राइडर्स। और अंदर आ कर कहते यार यार क्या सोफ़ा था भाई, अंदर आकर पूरा प्रीमियम फील हो रहा था गाइस, लग रहा था मैं किसी कार के शोरूम में आया हुआ हूँ। और चलो आप लोगों को अब दिखाता हूँ बाइक यहाँ पे, टॉप टॉप सेगमेंट्स के जो बाइक यहाँ पे रखी हुई थी भाई साहब। चक्का देख लो पहले, ठीक है, इतना बड़ा चक्का भाई, तो लगता है ट्रक का चक्का लगा हुआ है। और ये बाइक भाई सलमान खान का एक कोई फिल्म था दोस्तों, कोई मूवी आया हुआ था उसमें ये बाइक चला रहा था वो, उसी समय से मेरा दिमाग में था ये बाइक भाई। और आज मैं देखा इतने दिन के बाद पूरा मुझे रिकॉल हो गया कि भाई बाइक तो देखा हुआ है मूवी में। और गजब का भाई के भाई, गजब का गाइस, हेडलाइट, शॉकर, सस्पेंशन, इंजन, इसका चक्का, और देख लो इंडिकेटर, इसका हैंडल में ही लगा हुआ है नीचे में, इतना बड़ा गाड़ी वाला इंडिकेटर लगा है। फैट बॉय हार्ले डेविडसन, फैट बॉय। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने जो बाइक के लवर्स है वो लोग नाम सुना होगा फैट बॉय। और इसके बगल में ही एक और था, ये नाइटस्टर, हार्ले डेविडसन नाइटस्टर। ये इससे थोड़ी कम सेगमेंट की है, बट मैं आपको अभी इन लोगों का प्राइस बताता हूँ, ठीक है। ये सबसे कम पावर की, उसके बगल में उससे ज़्यादा, और सबसे आखिरी में भाई ये देखो, ये भाई सबसे बड़ा हाथी है, हाथी। आगे से चलो अभी आपको दिखा दो, देख लो कितना सारा भाई इसमें पार्ट पुर्जा लगा हुआ है भाई, तो कार से कम नहीं है ये, हम लोग के तो गली में भी नहीं चलेगा भाई, एक इसको जगह चाहिए कार जितना। पूरा फॉग लैंप वगैरह सब प्री इंस्टॉल्ड है, डिक्की वगैरह देख रहे हो, डबल सीट भाई, पीछे वाला तो लगता है कि सोफ़ा में बैठा हुआ रहेगा, झंडा वंडा सब लगा हुआ है।
और कितना बढ़िया से ही लोग भाई मेंटेन करके रखे हैं, साफ़ सुथरा करके। हार्ले डेविडसन 114 पता नहीं क्या है CI, वो लगता है हॉर्स पावर वगैरह होंगे, पता नहीं क्या होगा भाई। और इसमें किक नहीं दिया हुआ भाई, इतना बड़ा गाड़ी को भाई कार जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही कार भी, ये भी बाइक भी वैसे ही स्टार्ट होती होगी। और डैशबोर्ड देख रहे हो, लग रहा है कोई कार है। तो मैंने सोचा भाई एक छोटे से सेल्फी ले लेते हैं। और यहाँ पर कम सेगमेंट वाली है जो 3 लाख के बजट के अंदर आती है, वो वाली हार्ले डेविडसन है। भाई का भी वही है, मेरे फ्रेंड का 440X X440। और मर्चेंडाइज वगैरह भी है गाइस हार्ले डेविडसन का, या साथ में मैं भी हूँ गाइस। इस बाइक का चक्का पे तो मैं फिदा हो गया था भाई, क्या है ये भाई, मतलब क्या अल्टीमेट चीज़ है ये सब। मतलब सस्पेंशन देखो, सॉकर देखो, लोगों का हैंडल देखो, टंकी देखो, ये मतलब बजट सेगमेंट वाली गाइस, ये 3 लाख के अंदर आती है। और हेलमेट वगैरह भी है। और यहाँ पर गाइस ब्रेक फ्लूइड वगैरह, पॉलिश, गार्ड, आपका यहाँ पे चेन और टायर प्रेशर मॉनिटर, लुकिंग ग्लास, लोगो, पॉलिश वगैरह और क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह सब दोस्तों हार्ले डेविडसन ब्रांड का है। और हार्ले डेविडसन के मतलब ऑथराइज्ड नहीं रहा स्क्रीन पे। इसी बीच दोस्तों मेरे भाई ने बोला कि यार बहुत देर से मुझे बोला था यार फोटो खिंचाना है, बैठो बैठो, मैं शर्म आ रही थी बैठने में, तो फाइनली बैठ के भाई एकदम दिल हल्का हो गया, एकदम मज़ा आ गया। फिर हम लोग बाहर दोस्तों, जब तक बाइक पे काम चल रही थी, हम लोग बाहर आके डॉगी लोग को बिस्किट खिलाने लग गए, चाय पीने लग गए देखो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप है हॉग, जो कि हार्ले डेविडसन का पूरा ग्रुप है कोलकाता में, तो उन लोगों का यहाँ पर आ रहा था वीडियो TV पे, तो वही देखा मैंने। फिर यार ये जैकेट सब भी देखा भाई, स्टार्टिंग रेंज तो 15,000 से ऊपर भाई, बताओ क्या गजब का क्वालिटी है भाई ये सब हार्ले डेविडसन। एक बार और फिर मैं आ गया भाई देखने के लिए, मुझसे मतलब बैठा नहीं जा रहा था वहाँ सोफा में। मैं सोचा भाई देखो देखो, कितना भी देखो भाई मन ही नहीं भर रहा था, ऐसा बाइक है देख रहे हो, इंजन का बनावट, साइलेंसर। अब मैं मान रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बाइक के उतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट कभी कभार जान लेना चाहिए भाई। आप लोग भी नाम सुना होगा हार्ले डेविडसन, कंसोल वगैरह देख रहे हो। अभी मैं प्राइस दिखाता हूँ कितना प्राइस है इसका, ठीक है। ये सबसे कम वाला मैंने बताया था, देखो 17 लाख ऑन रोड है, सॉरी एक शोरूम है, 21 लाख ऑन रोड है, और 2 लाख तो रजिस्ट्रेशन था भाई सिर्फ स्टार्टिंग का, बाकी सब तो 30-35-40 तक गया होगा। वही दोस्तों हम लोग उसी रास्ते से फिर वापस आ गए, क्योंकि शाम होने वाली थी और भाई को कुछ खाने वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह करना था, कुछ कुछ काम था हमें, और तो वहीं से होते हुए हम लोग वापस जा रहे थे। देखो बगल से सीढ़ी है, यहीं से खा से खाना वाना खा करके यहीं से नीचे उतर जाओ भाई, पच जाएगा खाना आराम से जितना खा के आओ। और ये सब भाई सिविल इंजीनियरिंग का कमाल है, देख सकते हो ना आप लोग कोलकाता में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गाइस कोलकाता बहुत ही डेवलप्ड है, बट सब चीज़ अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने तरफ से कि रोड बट सरकार थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है। और वही दोनों दोस्तों बिल्डिंग है, देख रहे हो लग रहा है कि दुबई पहुँच गए भाई, दुबई पहुँच गए एकदम, देख रहे हो क्या क्वालिटी है भाई। एक दिन जाएंगे अपन लोग भी, बड़े यूट्यूबर बनेंगे ना। अच्छे चलो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें।